क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बेटर है? चलो इसे समझते हैं। पांच पॉइंट्स है जिसे मैंने सीखा है ग्रेगरी ज़करमैन की किताब द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट से। एक, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें आपको अपने पैसों को 10, 20 या 30 साल तक होल्ड करके रखना पड़ता है। इससे कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता है और आपके पैसे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ऐसे वक्त में भी जब मार्केट क्रैश होता है तब भी आपका पैसा सेफ रहता है। दो, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेम है। आप एसेट्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, ऑप्शंस या रियल एस्टेट को खरीदते हो और जल्दी प्रॉफिट पर बेच देते हो। ट्रेडिंग का मेन रूल है बाय लो सेल हाई। ट्रेडिंग करने के लिए जिस कंपनी का स्टॉक आप खरीद रहे हो उसकी हर नई न्यूज आपको पता होनी चाहिए। तीन, जिम साइमंस और वॉरेन बफेट के एग्जांपल से समझते हैं। जिम ने मैथ्स से ट्रेडिंग को क्रैक किया जबकि वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। उन्होंने कभी अपने स्टॉक्स को छोटे प्रॉफिट पर नहीं बेचा बल्कि हमेशा कंपाउंडिंग का वेट किया। चार, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिस्क और रिवॉर्ड्स अलग अलग है। ट्रेडिंग में हाई रिवॉर्ड के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड भी स्टेबल होता है। पांच, इन्वेस्टिंग आपको सालाना 12-15% रिटर्न दे सकती है जबकि ट्रेडिंग में डेली आप 10-15% रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में 100 में से 90 लोग फेल हो जाते हैं और जो बचे हुए 10% ट्रेडर्स रहते हैं वो आगे चलकर लॉस में आ जाते हैं कि 90% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका एंड गोल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो और कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हो। ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब की तरह है जबकि इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम की तरह है।